जी व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं डेटिंग। हम ओपन करते हैं काइन मास्टर। काइन मास्टर पे आप इस तरह जाके आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। आपके पास दरमियान में प्लस वाला आइकॉन होगा, उसको आप प्लस पुश करेंगे। पुश करने के बाद जब वो वाली अगली नेक्स्ट विंडो आएगी तो आपके पास 60:9, 9.16 और 1.1 की विंडो आएगी। लेकिन हम जो अगर यूट्यूब के लिए एडिट कर रहे हैं तो हम 60:9 की रेशो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। हम इस विंडो में जाएंगे, हमने जो रिकॉर्डिंग किया है हम मीडिया पे जाके उसको उस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। हम लोगों ने कैमरे पे शूट किया था, हम उस पर जाके सिलेक्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये देखें कि हमारे पास इस तरह की आ रही है। आप परेशान ना होइएगा, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। टाइमलाइन को सिलेक्ट करते हुए आप इसको आस्ते आस्ते ऊपर करेंगे तो ये आपके पास रोटेट की ऑप्शन आ रही है। रोटेट को सिलेक्ट करके ये नीचे एक एरो आ रहा है, उसको पुश करेंगे तो आपकी ये विंडो सीधी हो जाएगी। तो हम इसका आप काटने लगे क्रोमा, तो पहले हम इसका क्रोमा करेंगे। क्रोमा करने के बाद फिर हम इसको एक्सपोर्ट करके तो फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक लेयर क्रोमे की। हम वाइट बैकग्राउंड लेके हम इसको सिलेक्ट करके हम इसको करेंगे ग्रीन। कलर पे जाएंगे, कलर पे जाके हम ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास ग्रीन की काफ़ी ऑप्शन आ रही है, जो आप ग्रीन सिलेक्ट करना चाहते हैं उस ग्रीन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके करें। थोड़ा सा आप खोल लें, आपके ग्रीन का जो विंडो आ रही है उसको खोल लें और आपके लेफ्ट साइड पे चाबी का निशान आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका मार्क लग जाएगा। आप आस्ते आस्ते से इसको ऊपर करें, इसको आप रोकें। रोकने के बाद जो आपके पास नीचे ग्रीन की ऑप्शन आ रही है इसको आस्ते आस्ते ऊपर कर दें यहाँ तक। फिर उसके बाद हल्का सा टाइमलाइन पे हाथ रख के इसको प्ले करें, आस्ते आस्ते ऊपर जाएं और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको आप रोक दें। रोकने के बाद फिर आप ग्रीन को आस्ते आस्ते से ऊपर करें जब तक वो कपड़ा आपका छुप ना जाए। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते आप टाइमलाइन को हाथ से प्ले करें, आगे जाने दें, उसके बाद फिर रोक लें। फिर आस्ते आस्ते जो ग्रीन आपका है क्रोमा उसको आस्ते आस्ते आप ऊपर जाने दें, फिर इसको प्ले करें यहाँ तक। अब आप इसको करें ओके। अब इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं कि हमने किया क्या। अब देखिएगा, ये हमने आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ऊपर लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो हमने मार्क लगाया था उसके साथ सिलेक्ट हो गया। अब हमारे पास ये जो कपड़ा फेंकने वाला है एरिया, हम इसको दोबारा क्रोमा करते हैं, लेयर पे जाते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पहले एक वाइट लिया था। वाइट लेने के बाद उसको हमने कलर किया था, उसी तरह आप उसको कलर करेंगे। उसको थोड़ा सा अपने हाथों से इसको ओपन करेंगे, आप इसको करें रिवर्स हल्का सा। ओके करके इसको हल्का सा रिवर्स करें। जिस तरह आपने दूसरे की मार्किंग की थी उसी तरह आपने इसकी भी मार्किंग करनी है। आप इसको थोड़ा सा पीछे कर लें वापस यहाँ पे। आपने उसी तरह चाबी के सिंबल को क्लिक करके इसको टाइमलाइन को आस्ते आस्ते प्ले करना है। यहाँ पे रोकें और इसको फिर थोड़ा सा आगे करें। फिर इसको थोड़ा सा आगे करें, फिर उसको आगे करके ओके करते हैं। अब मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। ये हमने प्ले किया, हमने वो जो पहली वाली क्रोमा की सिलेक्शन थी वो की, फिर उसके बाद दूसरी सिलेक्शन की और फेंक दिया। ये बच्चों ने क्लैप की, क्लैप करने के बाद ये एंड हुआ। हम इसको इस फाइल को ओके करके हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट।
ये हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सपोर्टिंग में, क्योंकि हमारी ये फाइल छोटी है। हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करके हम इसमें नई चीज़ें ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी अगली आपकी क्रोमा काटने की जो सिचुएशन है वो आपको पता चल जाए कि हमने क्रोमा कैसे काटा था। ये हमारा फाइल एक्सपोर्ट हो गया। ओके जी, बैक जाते हैं जी। बैक जाके हम दोबारा हम नई विंडो ओपन करते हैं 60x9 की। इस पर हम लोग ऐड करेंगे वही ओरिजिनल फाइल जो हमारी कैमरे की शूट की हुई थी पहली, जो हमने पहले इसको ओके किया था। उसी तरह इसको फिर दोबारा आप रोटेट कर लीजिएगा, अगर बस आ रही है तो ठीक है जी। इस पर आपको एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे इसको करते हैं कट। कट करके हम यहाँ पे एक जो हमने स्क्रीनशॉट लिया खाली फ्रेम का, हम उसको ऐड करेंगे जो हमने कैप्चर किया। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम डिलीट कर देंगे। हम इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा खोल लेंगे जितनी हमारी वीडियो की लेंथ होगी। हम इस पर नीचे आके इस पर हम लेयर ऐड करेंगे जो हमने एक्सपोर्ट किया। ये फाइल हमने एक्सपोर्ट किया है, हम इसको थोड़ा सा इसकी विंडो हम फुल करते हैं। हमने इसको एक्सपोर्ट किया, हमने ओके किया। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे आया, का काटेंगे क्रोमा। हमारे पास ग्रीन है तो हम ग्रीन को सिलेक्ट करके काटेंगे। ओके करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास जो पीछे पिक्चर थी वो हमारी पिक्चर जो है वो हमारा हमें सपोर्ट देगी। स्टिल हो गए हैं हम बच्चों को, अब हम स्टिल नहीं रहने देंगे। हम बच्चों की मूवमेंट लेके आएंगे। हम वो कैसे लेके आएंगे मूवमेंट बच्चों की, जो आपके पहला फ्रेम आपका शुरू वाला आप देख सकते हैं, उसमें बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे लाइव हैं, उस पर बच्चे देख रहे हैं आपको, लेकिन एक साइड पे बच्चे स्टिल हो जाते हैं। जैसे ही आपका ये फ्रेम चलता है, क्योंकि इसमें आपकी तस्वीर ऐड है, तो आपने करना क्या है कि इस पे आके आपने अपने नई लेयर को ऐड करना है जो आपने कैमरे से शूट की थी ओरिजिनल फाइल, उसको आप ऐड करेंगे। उसको पूरा लेके जाएंगे आगे तक जहाँ पे आपकी टाइमलाइन आती है, उस पे लेके जाएंगे। और नीचे जो आपकी है इसको हम रोटेट कर लें, पहले हम इसको रोटेट करेंगे। अब हम इसको ओपन करके थोड़ा सा फाइल को, तो इसको फाइल को हम खोलते हैं। खोलने के बाद हम अब इसकी इसको कट करेंगे जहाँ पे हमने पिक्चर शुरू की थी। हम इसका जो एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड का फ्रेम है हम उसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद हम इसकी करेंगे क्रॉपिंग। जो हमारा बच्चों वाला फ्रेम है वो स्टिल है, लेकिन हम स्टिल नहीं चाहते। हम लोग उसको चाहते हैं कि बच्चों की मूवमेंट हो, बच्चे जो है वो ताड़ी शाड़ियाँ बजाएं, क्लैप करें जैसे पहले करते थे। ये देखें, इसको कपड़े को ऊपर उठाया, कपड़े को उठाने के बाद सारा किया, क्रोमा काटा गया, ये फेंका,
आप देख सकते हैं कि बच्चों ने क्लैप किया। सिर्फ यही वजह है कि हमने उसमें विंडो ऐड की थी, तो विंडो की ऐड होने की वजह से वो बच्चों ने क्लैपिंग की है। आपकी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो आप इसको कटिंग कर दें, लेफ्ट आपके राइट साइड पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट कर दें।